लखनऊ से संवाददाता अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट। अवध बार एसोसिएशन के द्वारा हाई कोर्ट लखनऊ के बाद लगातार 11 दिन से धरना जारी। राजधानी लखनऊ में हाई कोर्ट परिसर के बाहर गेट नंबर 6 के सामने अवध बार एसोसिएशन व अन्य अधिवक्ता संगठनों के द्वारा लगातार 11 दिन से धरना चल रहा है। यह धरना प्रदर्शन वाद कार्य एवं अधिवक्ता साथियों के समस्याओं को सुलझाने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र एवं GST के कुछ समस्याएं, जिसको लेकर लगातार धरना किया जा रहा है। ऐसा लगता था कि यार क्या होगा, क्या कुछ मांगे हैं और अभी तक सरकार शासन से क्या क्या वार्तालाप हुई है। देखिए, हमारी मुख्य रूप से चार मांगे थी, जिसमें अब तो जो हमारा मांग है वो क्षेत्राधिकार से संबंधित बचा है। जहां तक GST ट्रिब्यूनल का सवाल था, उसके संबंध में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री ऋतुराज अवस्थी साहब का एक आर्डर आ गया है हम लोगों के पक्ष में, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति गणों ने कहा है, दो ऑनरेबल जजेस की बेंच थी, उन्होंने आदेश किया है कि जब तक कोर्ट की लीव ना ली जाए, जब तक नोट ना हो, जब तक कोर्ट की परमिशन ना हो, तब तक GST का ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। अब हमारा जो मेन मुद्दा रह गया है वो क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो क्षेत्राधिकार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब हम अपना आंदोलन का देखते हैं कि स्वरूप आगे किस तरीके से करना है, क्योंकि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, सुलभ न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो आदमी बरेली से आके इस हाईकोर्ट की बिल्डिंग के बगल से होते हुए इलाहाबाद जाता है, मैं चाहता हूं वो अपना मुकदमा यहां कर सके, या ये जनता को दे दिया जाए कि वो अपना कहां यहां लखनऊ जाना चाहता है या इलाहाबाद। यहां दो जनपद थे, यहां दो मंडल थे, जिन मंडल को बदल कर तीन मंडल कर दिया गया है, लेकिन जनपद पहले हाईकोर्ट का बहुत छोटा था, यहाँ पर अब इतना विशाल बिल्डिंग है, जो एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। एक फ्लोर हमारे यहाँ खुलता ही नहीं है, करीब 25 कोर्टें हैं जो खाली पड़ी हैं, जब से आई हैं आज तक खुली नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये कोर्ट बनी है जनता के लिए, अगर उसको समय से और न्याय नहीं मिलता है तो अनुचित है। यहाँ व्यवस्था करिए, जो लोग नज़दीक है जिनके, वो यहाँ आके अपना बात कह सके। देखिए, हम लोग माननीय राजनाथ सिंह साहब के यहाँ गए थे, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर साहब के यहाँ ने हमको बुलवाया था, हम लोगों की बैठक हुई, मीटिंग हुई, श्री ब्रजेश पाठक माननीय न्याय मंत्री से हमारे लोगों की बात हुई। वो सारे लोग चाहते हैं कि जो व्यवस्था हो वो इस तरीके से हो, लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिले, इस बात के लिए। लेकिन ये चूंकि आज़ादी से पहले से ने यहाँ जो का जो हाई कोर्ट है, जब से यहाँ मैंने देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक स्थिति यह है कि ज्यूरिडिक्शन पे कभी कोई डिसीजन ही नहीं हुआ, तो सरकार भी उस पर सोच समझ के निर्णय लेना चाहती है कि मैं पूरे इसका अध्ययन कर लूँ। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने एक प्रपोजल बहुत पहले भेजा है जो अंडर कंसिडरेशन है, आई होप एंड ट्रस्ट कि जल्दी हम लोगों के फेवर में कोई निर्णय आ जाएगा और हम लोग आंदोलन प्रारूप बदलें कि दूसरे तरीके से करें, ताकि जनता को भी न्याय मिल सके। कोई जेल में बंद है वो छूट जाए, वो घर जाए, हमको भी उनका दर्द है। लेकिन मेन समस्या जो है कि यह भी तो हो जाए, जो हमेशा के लिए कोई चीज़ अगर साल्व हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी।